इस वीडियो के माध्यम से ऑडियो मंच के सभी दर्शकों को मैं हरिहर जी निर्मल सत नमन करता हूँ। आपने थंबनेल पर देखा और पढ़ा कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान होता है, लेकिन संसार का सबसे बेवकूफ प्राणी कौन होता है? आपने गैस भी लगाया होगा, हो सकता है आपका गैस सही भी हो, पर आप अपने गैस से संतुष्ट नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर इंसान है तो संसार का सबसे बेवकूफ प्राणी कौन है? जी हाँ, सवाल तो बड़ा टफ है लेकिन जवाब भी बहुत आसान है। कठिन सवाल का जवाब इतना आसान होगा ये आप भी कल्पना नहीं कर पाए होंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है तो संसार का सबसे बेवकूफ प्राणी है कौन, इसका जवाब कौन देगा? जवाब देंगे आप। जी हाँ, जवाब इसका आप देंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखने की बात है। जैसे ही आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप इस वीडियो के जवाब देंगे, सिर्फ आप देंगे, और मेरा दावा है कि वो आपका जवाब बिल्कुल 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 सही होगा। मैं तो केवल उदाहरण आपको दूंगा, जवाब तो आपने स्वयं देना है। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में एक पुरानी टीवी हो, वो डब्बा वाला टीवी, पुरानी टीवी हो, और कोई बंदा सामने से आकर के कहे, भाई साहब आप ये पुरानी टीवी मुझे दे दीजिए, मैं आपको नया टीवी एलईडी वाला दे दूंगा, आप क्या करेंगे? आपके घर में एक पुरानी मोटरसाइकिल हो जो धक्का लगा के चलती हो, बार बार बिगड़ जाती हो, और कोई सामने वाला से बंदा आए कहे, भाई साहब ये मोटरसाइकिल मुझे दे दो, मैं आपको नई मोटरसाइकिल दे दूंगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड, आप क्या करेंगे? आपके घर में कोई पुरान कार हो, धक्के मार के चलती हो, रोज झेलवा देती हो, कहीं यहाँ खड़ी हो जाती हो, कहीं वहां खड़ी जाती हो, बिल्कुल खटारा हो गई हो, और कोई सामने से बंदा आए और ये कहे, भाई साहब ये पुरानी कार मुझे दे दो, मैं आपको नई कार दे दूंगा, आप क्या करोगे? आपके घर में एक फ्रिज है, कभी वो चलती है, कभी बंद रहती है, कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है, कभी ठंडा करती है, कभी नहीं करती है, और कोई सामने से आए कि भाई साहब ये फ्रिज मुझे दे दो, मैं आपको नया फ्रिज दे दूंगा, आप क्या करेंगे? सोच कर देखिए, आप क्या करेंगे? सच्चाई तो ये है कि आप सोचने का मौका खुद को नहीं देंगे और तुरंत हाँ कर देंगे, ले जा भाई, अगर पुराने सामान को देख करके नया सामान मिल रहा है तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, तुरंत हम सामान को उसको दे देंगे और नए ब्रांड का सामान ले लेंगे। लेकिन ये शरीर भी तो एक दिन पुरानी हो जाएगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, नाक सूंघने में असमर्थ हो जाएगी, मुंह खाना खाने में असमर्थ हो जाएगी, दांत झड़ जाएंगे, खाना खा नहीं पाएंगे, बाल पक जाएंगे, कान से सुनाई नहीं देगा, ये चमड़ियां लटक जाएंगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे। और जब अवस्था ऐसी हो जाएगी और ऐसे में ईश्वर परमात्मा आपसे कहे, भाई साहब ये पुरानी जर्जर शरीर मुझे दे दो, मैं तुमको एक न्यू ब्रांड शरीर दूंगा, शिशु अवस्था वाला शरीर दूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट, न उसमें कोई रोग होगा, न कोई दोष होगा, न कोई तनाव होगी, न कोई उलझन होगी, बिल्कुल न्यू ब्रांड दूंगा, आप क्या करोगे? तैयार हो जाओगे? नहीं, क्यों? मेरा पोता छूट जाएगा, मेरी बहू छूट जाएगी, मेरी बीवी छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, मेरे खेत छूट जाएंगे, मेरे खलिहान छूट जाएंगे, मेरा व्यापार छूट जाएगा, मेरे रिश्तेदार छूट जाएंगे, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, पोता बड़ा होगा, पोते की शादी होगी, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बेशक कान नहीं काम करे, बेशक आंख नहीं काम करे, बेशक पैर नहीं काम करे, लेकिन कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता है, इतना मोह माया में लिप्त हुआ है इंसान। मजे की बात देखिए, अब पकड़िएगा पॉइंट को, अब पकड़िएगा बात को, इंसान पुरानी टीवी दे करके तो नया टीवी लेना चाहता है,
पुराने फ्रिज को देख करके नया फ्रिज लेना चाहता है, पुरानी बाइक को देख करके नई बाइक लेना चाहता है, पुरानी कार देख करके नई कार लेना चाहता है, लेकिन ये पुराना शरीर देख करके कोई नया शरीर लेना नहीं चाहता है। जवाब आप देंगे, जवाब कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर इंसान है तो सबसे बेवकूफ प्राणी कौन हो सकता है। एक इंसान को आप जानवर नहीं कह सकते, बिगड़ जाएगा बंदा। किसी को भी अगर आपने कहा जानवर तो बिगड़ जाएगा बंदा, लेकिन किसी को भी अगर आपने कह दिया भाई तू तो शेर है, अरे वो बिगड़ेगा नहीं, तुम पर खुश हो जाएगा। अनुमान लगा के देखिए कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर इंसान है तो सबसे बेवकूफ प्राणी कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।